प्रत्येक वर्ष की भांति गोवर्धन में देवास मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालु भक्तों ने गिरिराज महाराज का दुग्ध अभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गोवर्धन गिरिराज धाम में जतिपुरा के इंद्र पूजा स्थल पर देवास मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालु भक्तों ने गिरिराज महाराज जी का दुग्धा अभिषेक किया। गिरिराज तलहटी गिरिराज महाराज के जय जयकारों से गूंज उठी। वहीं श्रद्धालु भक्त दुर्गेश अग्रवाल ने बताया कि वो काफी वर्षों से गिरिराज धाम आ रहे हैं। प्रतिवर्ष उनके द्वारा गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना की जाती है और दुग्धा अभिषेक कर गिरिराज महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। क्या नाम जी आपका? दुर्गेश अग्रवाल। दुर्गेश जी कहाँ से आए हो आप? हम लोग देवास मध्य प्रदेश से आए हैं। यहाँ आप गिरिराज जी में आए हो, आपने आज दुग्ध अभिषेक किया गिरिराज जी पे, आपके क्या क्या प्रोग्राम है, क्या कुछ कहेंगे? भैया हम लोग पिछले करीब 10 वर्षों से प्रत्येक माह में हमारा 20-25 लोगों का ग्रुप आता है और वार्षिक साल भर में एक बार जनवरी में हमारा करीब 400-450 लोगों का ग्रुप आता है बाबा गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए। तो इसके अंदर आज हमने मुखारबिंद पे बाबा का दुग्धाभिषेक, फूल बंगला, 56 भोग एवं श्रृंगार आरती की है। इसके बाद हम सब लोग आज दोपहर के बाद वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे और कल प्रातः 8:30 से 9 के बीच में हमारी बाबा गिरिराज जी की परिक्रमा प्रारंभ होगी, जिसके अंदर भगवान राधा कृष्ण का सुसज्जित घोड़ा बग्घी रथ रहेगा। भजन गायक के साथ में हमारे डीजे का भजनों का साथ में चलेगा और इस पूरी परिक्रमा के अंदर हमारे सभी लोग पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ में नंगे पैर कीर्तन भजन करते हुए, नाचते गाते हुए और पूरी एक वेशभूषा के अंदर विशेष ड्रेस कोड के साथ हम सब लोग कल परिक्रमा करेंगे। तो इतने वर्षों से आप लोग इसी गिरिराज जी आ रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? पिछले करीब 10 वर्षों से मुझे बाबा गिरिराज जी की परिक्रमा का सौभाग्य मिलता है और हर महीने मैं अपने मित्रों के साथ आता हूँ और साल भर में एक बार हम हमारे सारे सब परिवार मित्रों के साथ यहाँ पर बाबा के आते हैं। और अनुभव की बात करें तो निश्चित तौर पर बाबा गिरिराज जी कलयुग के साक्षात देवता हैं और हम सब का अनुभव है कि हमने उनसे जो मांगा, जो श्रद्धा से हमने बोला, हमें मिला है और हमारी हर मन्नत यहाँ पे पूरी होती है, ऐसा बाबा का धाम है।